आपसे कहा था? हाँ हाँ गए थे हम लोग, अभी वहीं से वापस आ रहे हैं। क्यों है चार बज गए? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो तैयार थे कहीं बाहर के लिए। हमने जब आपको बताया तो उन्होंने ये भी कहा क्या कि वो तो हमारे दोस्त महाराज रणजीत सिंह की मातमी है, तो वो अभी अभी ही थोड़ी देर में शीघ्र आने ही वाले हैं। मैं कहा है कि उन्हीं के घोड़े की आवाज आ रही है। मैं किस लिए आपसे मना है? आप जाना चाहती हैं? मेरा काम पड़ गया आपसे जरूरी बिकास से। नाम है मेरा, अरे रुपयों के लिए विक्रम सिंह अपने बाप को भी
अपनी गलती बर्बाद करेंगे, मेरे काम आने वाले नहीं। रानी साहिबा, ये धमाका धमाका है। बोलो किसका फोन करना है? आपने भी कहा कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। हाँ रानी साहिबा, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? इस काम के लिए तुम्हें पूरे 50,000 देने होंगे। 25,000 और 25,000 काम होने के। मित्र सिंह, तुम्हें 25,000 एडवांस मिल जाएंगे, लेकिन खुद किसका करना है जानते हैं? किसका करना है? हमारे जेठ महाराज रंजन सिंह का। आपके जेठ महाराजा रंजन सिंह का? जी। क्यों रानी साहिबा, क्यों? वो मैं आपसे बाद में बताऊंगी। अभी अभी आपने कहा कि मैं पैसे के लिए अपने बाप को भी गोली मार सकता हूँ। हाँ रानी साहिबा, मैंने तुमसे वादा किया है, ये समझो कि ये तुम्हारा काम होगा। 25,000 करवाई या यहां से जाओ, यानी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तिजोरी से 25,000 रुपए लेंगे। विक्रम जी को दे देना। आओ मेरे साथ, हमको यही चाहिए, वो भी तुम्हारे हाथ से। विक्रम सिंह, देखो रानी साहिबा, हम हैं गुंडा बवाले। हम पहले बताते हैं कि हम जो भी काम करते हैं पैसों के लिए। दादा ना भैया सबसे बड़ा महारानी लीलावती की जुबान है। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये समझो कि तुम्हारा काम हो गया, हम जाते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हारा कोई दरबार का आदमी हमारे साथ जाएगा, ताकि वो ये बता सके कि महाराजा रणजीत सिंह किस जगह पर मिले। ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। दरबारी, क्या हो रहा है राजमाता? तुम्हें अच्छे तरह से मालूम है कि हमारे जेठ जी कहाँ पे तपस्या करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मालूम है। विक्रम सिंह को अपने साथ ले जाओ और जाकर जाने का मार्ग बताओ, और जहाँ पर हमारे जेठ जी तपस्या कर रहे हैं विक्रम सिंह को दिखाओ। क्या हुआ, सबका बदलो नहीं ना? कहो का बदा है क्या? ये तरह की जगह पहुँचेगा क्या? हो क्या आप भी वही जा रहे हो तपस्या करने के लिए? तपस्या नहीं तो तोरी नानी के चढ़ाई में चलेंगे। महारानी की चलना तो पहले हमारे साथ चलना, तो फायदे से चलना नहीं। महाराज अंजाम से पहले आप पहले किसको टपका दे लगनी है थाने। समझा विक्रम सिंह कह रहे हैं। हाँ हाँ मैं सर, ठीक है, आप आ रही रंग राजमाता हमारी बोले को हम काम बताओ। तुम्हारे लिए काम है ना, पान भर के रखो, मैं स्नान करना चाहते हैं। भाई, तूने जिस तरह मुझे तड़पाया है, मैं तुझे उसी तरह ना तड़पाए। तो मेरा नाम आलम लीलावती है। प्रिया चरितम गयो न जाना, दैयों न जाना, मेहरिया का मक्कर और लड़िया का चक्कर एक होता है। अपने महाराज को मरवा कर ये लीलावती अपनी लीला कैसे फैलाती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम लीला।
जय हो जय। यहाँ कितने दिन से नौकरी करते हैं, हमारी बात पूछ रहे हो? अरे हम पुराण के पुराण हो रहे हैं ठाकुर साहब। पुराण पुराण क्या? अरे कहने का मतलब कि काफी दिन हो रहा है। भी लगभग अरे लगभग कम से कम ये सब 62 चल रहे हैं। 162 चल रहे हैं? ये कौन गिनती है 162 वाली? अरे कम से कम 162 साल बता रहे हैं, यानी कि यहाँ हो गए। हाँ लेकिन साले आज तक नौकर का नौकर ही रहेंगे। अरे भैया नौकर तो हमेशा ही नौकर होगा। हम मालिक नहीं होते। अरे बेकूफ कहीं के लोग अपनी अपनी को देख रहे हैं कि हम कितना बड़ा आदमी बन जाओ। हमारी बात मानी? हाँ ये बात तो मानते हैं। हमारी बात अगर मानेगा ना और हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो एक हफ्ता के अंदर हम तुझे इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि लोग देखते ही रास्ता छोड़ देंगे। अरे कम नहीं बना दे होगी हमका, ये तनाव काम नहीं बना दे होगी हमका, मनई देख के रास्ता छोड़ दे। देख हम काम क्या करते हैं रुपयों के लिए। अच्छा जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह को तड़कानी जा रही है 50,000 रुपए का ठीक। महारानी जी से आपने 50,000 का ठीक, और अगर तू हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेगा हमारे लिए काम करेगा तो 50 का ठेका 25 दिन और 25 में पक्का है। लेकिन एक बात कान खोल कर अपने दिमाग में उठा लेंगे, अगर तुझे झूठ बोलना पड़ा कसम खाना पड़ा तो तुझे ये भी करना होगा। नहीं रुपये की लालच में सोचो बेटे की ऐसे ने इतनी गोली मारूंगा साले की पैदल नहीं जाओगे। हम पैदल नहीं बहन बाबू, हम फाट करेंगे। बोल मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो ठीक है, आज से हमारी तेरी दोस्ती पक्की। अगर इनकम हो रही है तो हम कहते कि हे फाट करो, हम कहते पुरथा पुरथा गंगा में कहा टूट पी मार के नहीं करो। चल सबसे पहले आज तुझे बता कि महाराजा रंजीत सिंह किस जगह पर तपस्या करते। चलिए हमें महा बता
इस पहाड़ी पे बैठे कुरिया डुला रहे हैं, राम भजन कर रहे हैं। से हाथ में मत रख, ऐसी पेलाई करने जाओगे कि जिंदगी भूल जाओगे। इतनी पेलाई हुई कि डॉक्टरों से बात की। और क्या महाराज, इलाज को उठा और किसी झाड़ी में फेंक दे। महाराज की लाश उठाए और किसी झाड़ा में फेंक दे। झाड़ा में नहीं तो साले पट्टी में फेंक दे, यानी झाड़ी 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 झाड़ी। ये तो सभी हम महारानी लीलावती को सुनाते हैं। कहा पच्चीस हजार का कह रहा बाबू, अब हमका एक जरूरत पड़े वाला है। ठीक है, कौन सी जरूरत है? रोटावेटर को हम फेंकवा लाने। रोटावेटर? हाँ हाँ हाँ। फिर और ट्रैक्टर का सोचे हैं कि हम लोग बुढ़वे छोड़ा बुढ़वा, यानी ट्रैक्टर पहले लाना चाहिए कि रोटावेटर पहले लाना? अरे गरीब आदमी जाऊँ पावे कहूँ कई बैठ है, अरे पीछे करना नहीं आ रहे। आज यह ठीक है, अभी जो चार तारीख आएगी ना उसमें 25,000 भी नहीं दे देंगे। ठीक है, ध्यान दे रहे हो? अरे तू चीता की बता रहे विक्रम सिंह नाम है मेरा। बातों जानते हैं दिल दरिया है, बाकी सब कम हम कहते हैं महारानी के पास।
बताई दी कर दिया है बाकी का 25,000। ओ विक्रम सिंह 25,000 भी जाएंगे लेकिन आइए मैं तस्वीर रखी हुई आप बैठने के लिए विक्रम सिंह आज मैं तुम्हारे पर इतना खुश हूँ। अच्छा सच में बहुत खुश हूँ। आप प्रति तो बैठे जाते हैं लेकिन बाकी का 25,000। अभी ये है रामनाथ पर ठेकेदार साहब प्रदत्त होकर रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए 85 लोग से 10 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। धन्यवाद। विक्रम सिंह और कैसे खिदमत और सूरत ये सब हमको ना चाहिए। देखा था भैया कहावत सुने हैं ना तुम लोग कि लड़िया के चक्कर और मेहरिया के मक्कर बराबर होता है। रानी साहबा ये अदा दिखा के तुम हमको बेकूफ बनाना चाहती है। हमको 25,000 चाहिए। अरे मिल जाएंगे ना। कब मिल जाएंगे? क्यों परेशान है? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? अच्छा ये क्या है? क्या कहना चाहती हो? ठीक है बोलो। साहबा विक्रम सिंह नाम है मेरा। आप यहाँ की रानी है, राजमाता कहलाती है और हम पहला एक अपना गुलाम। आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं करती? शर्म तो कौन सी बात? अच्छा शर्म की कौन सी बात है? यानी कि तुम्हारा दिल हम पर आ गया है। रानी साहबा अगर आप अपने दिल की बात कही डाली है तो हमारे भी दिल की बात सुन ले। कौन सी बात? रानी साहबा तुम्हारा दिल हम पर आया है और हमारा दिल तुम पर आया था कि जब तुम तुम्हारा गौना होकर मेरा गौना टोली में बैठ कर आ रही थी ना उसके साथ हमारे दोस्त रंजीत सिंह के साथ उसी दिन हमारा दिल तुम पर आ गया था। लेकिन सत्या क्या मजदूर था क्योंकि तुम हमारे दोस्त की तरफ पत्नी बनकर आई थी ना। तुम आज की बात करती हो रही साहबा? मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया प्यार था, आज भी है।
तुम तो इतना भर भरा यहाँ थोड़ा सबर रखा ना। अरे जब हमारा तुम्हारा दिल ही मिल गया है तो चिंता करने की क्या बात है रवि साहब, कहीं ऐसा ना हो कोई अचानक तुम्हारे कमरे में आ जाए। हम लोग जाती है हमारे दोस्त रणवीर सिंह ने बताया कि तुम्हारी धर्म पत्नी लीलावती तुम्हारे ही दोस्त विक्रम से मोहब्बत करती। कहते हैं पर्दे में रहने दो पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद नहीं चाहता। हम इसी तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे। बोलो और कुछ करना है? अरे मिलने की बात छोड़ो यार, पहले ये बताओ कि अब क्या करना है मुझे। वादा तुम्हें एक काम और करना है। एक काम और? जी बोलो रानी साहिबा। अरे विक्रम सिंह अपनी जान निछावर कर देगा तुम पर। क्या करना है? हमारे नेत्र महाराज ने इसका खून तो कर दिया। कर दिया लेकिन अब आपका और मेरा दिल मिल ही गया है। मेरे देश का खून का इल्जाम हमारे बेटे भारत पे लगना चाहिए। यानी कि महाराजा इंद्रान सिंह के खून का इल्जाम उनके ही बेटे भारत पर लगाना है। तुम चिंता मत करो, समझो ये भी काम हो गया। क्योंकि आप देख सकते हो रणजीत सिंह हमारे पत्थर के दोस्त हैं और ये भी काम जो कहेगा रणजीत सिंह अवश्य मानेंगे। लेकिन तुम्हें वहां पहुंचना होगा। क्यों नहीं, आप जैसे कहेंगे पहुंचने की बात छोड़ो यार, मिलो भी कल। बाधा थे